कैसे हो दोस्तों? 1975 में जमीर नामी एक फिल्म आई थी जिसके अंदर एक बहुत ही मशहूर गाना था कि बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, आज कोई ना पूछे मुझसे मैंने क्या पाया। तो अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया टुडे 1 जून 2021 इसका ये आर्टिकल है फर्स्ट पेज पे कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो लॉकडाउन था मुंबई सिटी के ऊपर 22 अप्रैल 2021 से लेके 31 मई 2021 के दरमियान में, जिसमें नॉन एसेंशियल शॉप्स को बिल्कुल ओपन करने का परमिशन नहीं था, तो आज 1 जून से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अलाउ करी है कि जो नॉन एसेंशियल शॉप्स है मुंबई की वो हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे वो ओपन हो सकती है बिटवीन 7 AM to 2 PM। मगर ये जो रहेगा, ये जो तरीका रहेगा, स्टैंड लोन रहेगा, यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे राइट साइड की शॉप्स ओपन रहेंगी और रिमेनिंग जो दो दिन बचते हैं ट्यूसडे और थर्सडे वो लेफ्ट साइड की शॉप्स ओपन रहेंगी। हफ्ते में 5 दिन, तो 3 दिन राइट साइड की, 2 दिन लेफ्ट साइड की, मगर अगले हफ्ते ये चेंज हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड की 3 दिन रहेंगी, राइट साइड की 2 दिन रहेंगी और सैटरडे संडे कंप्लीट नॉन एसेंशियल शॉप कंप्लीट बंद रहेंगी, उसमें कोई उनको रियायत नहीं मिलेंगी। अलबत्ता ये भी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने कि जो एसेंशियल आइटम तो जो हमेशा ई कॉमर्स के तहत सेल हो रहे थे, मगर नॉन एसेंशियल आइटम भी जो है उसके लिए कोई रोकथाम नहीं है, वो पूरे हफ्ते ई कॉमर्स के तहत सेल हो सकते हैं। इस तरीके से कुछ तो राहत मिली रिटेलर, शॉपकीपर्स, छोटे मोटे कारोबारी करने वाले जो नॉन एसेंशियल आइटम में आते थे उनको कुछ तो राहत मिली, जो कि टोटल ही 22 अप्रैल से टोटली डिस्टर्ब थे क्योंकि वो अपना कोई भी कारोबार नहीं कर पा रहे थे इस लॉकडाउन के दरमियान। भले ही गवर्नमेंट महाराष्ट्र ने नॉन एसेंशियल को रिलीफ दिए, अलबत्ता सलोन, ब्यूटी पार्लर और जिम ये अभी भी इनको कोई रियायत नहीं मिली गवर्नमेंट महाराष्ट्र की तरफ से और इनके ऊपर लॉकडाउन का पालन वैसे ही रहेगा, बरकरार रहेगा। शॉपकीपर्स को स्ट्रिक्टली कहा गया है कि आप कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और अगर कोई भी नॉर्म्स का वायलेशन करेगा तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। डीएमसी ने वार्ड ऑफिसर को हिदायत दी है कि आप डिसाइड कीजिए कि आपके वार्ड में जो शॉप्स आ रही है कौन सी राइट साइड में आ रही है, कौन सी लेफ्ट साइड में आ रही है। वीरेंद्र शाह, प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन, वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट महाराष्ट्र ने जो ये कानून लाई है ये लॉकडाउन में कि 5 दिन नॉन एसेंशियल शॉप ओपन रहेंगी, वो भी अल्टरनेट डे, एक दिन इधर तो एक दिन इधर, तो इनको महज हफ्ते में 5 दिन मिलेगा। शॉपकीपर्स को, रिटेलर्स को, छोटे मोटे कारोबारी को हफ्ते में सिर्फ 5 दिन मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कह रही है कि जो एसेंशियल है वो तो हफ्ते भर अपना ई कॉमर्स चलाते रहेंगे और वैसे भी वो चला रहे थे, मगर नॉन एसेंशियल भी हफ्ते में पूरे हफ्ते वो ई कॉमर्स के तहत अपना आइटम बेच सकेंगे। तो ये प्रेसिडेंट का कहना है कि ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, वैसे ही हम कोरोना में बर्बाद हो चुके हैं, लॉकडाउन में हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास कुछ पूंजी नहीं बचा है, जो भी पूंजी बचा था हमने 2020 में इसको यूज कर लिए, अब हमारे पास कुछ नहीं, हम इस्टेब्लिश होना चाहते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र तो जो ये कानून ला रही है, जो हम पे थोप रही है, रिटेलर्स पे थोप रही है, ये तो एक तरीके से ई कॉमर्स को के बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। आसिफ जकरिया, ये बांद्रा के कॉर्पोरेटर है, उनका ये कहना है कि अगर ये जो बीएमसी जो ये नॉन एसेंशियल का जो ये बेनिफिट ला रही थी कि 7 बजे से लेकर 2 बजे तक ओपन रहेंगे, तो उनको तो पहले ही मंडे ये सब कर लेना चाहिए था। अब ट्यूसडे 1 जून जब ये ओपन होगा तो एक भूचाल सा हो जाएगा सिटीजन में, आपस में भूचाल सा हो जाएगा। पर हम ये कहना चाहते हैं देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो रिलीफ दिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने रिटेलर्स को, शॉपकीपर्स को, छोटे मोटे कारोबारियों को कि आप 7 बजे से लेकर 2 बजे तक धंधा कर सकते हैं, भले ही अल्टरनेट एक दिन यहां तो एक दिन यहां, भले ही हफ्ते में 5 दिन, कुछ तो रिलीफ मिली। वैसे ही ये शॉपकीपर्स का, रिटेलर्स का, छोटे मोटे कारोबारियों का बहुत बुरा हाल था, खाने के लाले पड़ गए थे,
ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, और होप ये अगर लॉकडाउन में एक्सटेंशन होता है तो कम से कम ये जो बेनिफिट मिली है नॉन एसेंशियल बिजनेस की हिसाब से लेके 2 बजे तक अल्टरनेट डे और छोटे मोटे कारोबारियों के रिटेलर्स को शॉपकीपर्स को, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है।